नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का साप्ताहिक डोज। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको जलौन से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। कांग्रेस जिलाध्यक्ष को लड़कियों ने पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिलाध्यक्ष की पिटाई हुई है। कांग्रेस के अनुज मिश्रा पर लड़कियों को परेशान करने का आरोप लगा है। फोन पर लड़कियों को परेशान करता था कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा, जिसके चलते लड़कियों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष को पीट दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जलौन से, और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से 20 सड़क लड़कियां कांग्रेस जिलाध्यक्ष को पीटती हुई नजर आ रही हैं। अनुज मिश्रा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं लड़कियों को परेशान करने का आरोप है कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा के ऊपर। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जलौन से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष है अनुज मिश्रा, जिसे 20 सड़क लड़कियां पीटती नजर आ रही है, और आरोप है कि फोन करके लड़कियों को परेशान करता था अनुज मिश्रा, जिसकी वजह से लड़कियों ने अनुज मिश्रा को जमकर पीटा। प्रियंका गांधी के साथ ये तस्वीर देखिए, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा की ये तस्वीर, जिसे 20 सड़क लड़कियों द्वारा किस तरीके से पीटा जा रहा है। लड़कियों को परेशान करता था अनुज मिश्रा, ये जानकारी मिल रही है, जिसकी वजह से गुस्साई लड़कियों ने 20 सड़क कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा की पिटाई कर दी। चप्पलों से पीटती हुई नजर आ रही हैं युवतियां कांग्रेस जिलाध्यक्ष को। फोन करके लड़कियों को परेशान करने का आरोप है। तो जलौन से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा, जिन्हें 20 सड़क किस तरीके से यहां पर दो युवतियां पीटती हुई नजर आ रही हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं चप्पलों से मार रही हैं जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा। अनुज कौशिक हमारे सहयोगी जलौन से फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। अनुज, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा को लड़कियां पीटती हुई नजर आ रही है, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला क्या है अनुज? देखिए अदिति, बिल्कुल बता दूं कि ये मामला उरई रेलवे स्टेशन के समीप का है, जहां पर ये दोनों युवतियां एक एनजीओ चलाती हैं, और लगातार जिलाध्यक्ष जो अनुज मिश्रा हैं कांग्रेस के, वो लगातार युवतियों को फोन पर परेशान करते थे। इनसे परेशान होकर युवतियों ने आज प्लान बनाया कि किस तरीके से जिलाध्यक्ष को सबक सिखाया जाए, और जब अनुज मिश्रा ने इनको फोन किया तो युवतियों ने उसी के तहत उनको बुला लिया, और जब रेलवे स्टेशन के समीप अनुज मिश्रा जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो पहुंचे, युवतियों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। बता दें कि पिछले कई दिनों से जिलाध्यक्ष कांग्रेस के लगातार युवतियों को परेशान कर रहे थे, उनके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दे रहे थे, क्योंकि जो महिलाएं एनजीओ चला रही, जो युवतियां एनजीओ चला रही, उसमें लगभग 200 युवतियां हैं जो की वहां पर काम करती हैं। लगातार वहां पर जाकर वहां पर युवतियों के साथ छेड़खानी करना और उन्हें फोन के माध्यम से परेशान करना, जिससे तंग आकर इस घटना को अंजाम दिया। बता दें कि पहले भी जो जिलाध्यक्ष हैं अनुज मिश्रा, पहले भी विवादों के घेरे में रहे हैं, और कई बार इनके नाम लड़कियों से के साथ छेड़खानी करने में आ चुके हैं। फिर भी कांग्रेस जो कि आला कमान है, उनको जिलाध्यक्ष पद से बनाए हुए था। बता दें कि इन युवतियों ने लगातार प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे शिकायत भी की थी, लेकिन हाईकमान द्वारा कोई भी कार्रवाई अनुज मिश्रा के खिलाफ नहीं की गई थी। अदिति, अनुज कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यहां पर पिटते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी तस्वीर के वायरल होने के बाद क्या कुछ हाईकमान का बयान सामने आया है, क्या कोई रिएक्शन सामने आया है, क्या कार्यवाही करेगी पार्टी अब? देखिए, अभी तक जो भी कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने अभी तक चुप्पी साध रखी है, चाहे वो कांग्रेस के यहाँ के पूर्व विधायक हों, जो कि वर्तमान में इस समय प्रियंका गांधी के सलाहकार भी है विनोद चतुर्वेदी, वो भी अभी तक इस मामले में खुलकर सामने बोलने के लिए नहीं आए हैं। अभी तक कोई भी आलाकमान जो कि कांग्रेस का है, उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है युवतियों ने उरई कोतवाली में शिकायत कर दी है, जिस पर पुलिस अधीक्षक यहाँ के डॉक्टर यशवीर सिंह ने, उन्होंने संज्ञान में मामले को ले लिया है, और उन्होंने एक जांच टीम बना दी है सीओ के नेतृत्व में, और ये पूरी घटना जो की महिला थाना अध्यक्ष नीलेश कुमारी है और सीओ स्मृति संतोष कुमार, ये पूरी घटना की जांच करेंगे, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अदिति, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज।